हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि तीन प्लेन से हम कैसे आठ अक्षांशों में क्या करते थे, डिवाइड करते थे, है ना। तीन प्लेन को कितने अष्टांश, आठ। ओके, कौन कौन से तीन प्लेन, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, ये तीन प्लेन से मिलाकर हमने कितने भाग में इसको विभक्त किया, आठ, है ना। तो इसको क्या बोला गया, अष्टांश बोला गया। ठीक है, अब आगे आओ। अगर हमको, हमने तो ये देखा कि x, y, z तीन अलग अलग चीजें हैं, है ना, अलग अलग कोऑर्डिनेट हैं। तो जो पहला होता है यहाँ पर, ये होता है x कोऑर्डिनेट, फिर इसके y कोऑर्डिनेट और इस z, यानी कि जो फर्स्ट होता है वो किसका कोऑर्डिनेट होता है, x का, सेकंड इज y का, एंड थर्ड इज क्या, वो z जो है, z का कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर। अब हमने तो वहाँ पे जीरो लगे पढ़ा था, तो यहाँ पर देखो, अगर हमको दे दिया जीरो माइनस माइनस वन, तो अब ये बताओ कि कहाँ पे आएगा, इसकी बिंदु की स्थिति कहाँ पे होगी, है ना। तो जीरो एक्स जीरो, है ना, तो x0 कौन से पॉइंट होते हैं, y z पॉइंट पर, तो कहां पे आएगा, y z पॉइंट पर। फिर यहां पे दिया 1 0 0, तो कौन सा एक्सिस पर है ये, देखो y0 z0, क्या बचा, ये x बचा, तो ये कहां पे होगा, x एक्सिस पर आएगा। क्लियर। अब यहां पे आओ, यहां पे x0 है, y0 है, क्या बचा, z, तो ये कौन से प्लेन पर होगा, z एक्सिस पर होगा। क्लियर, ये z एक्सिस पर होगा। फिर यहां पे 1 1 0 मींस कि ये z0 है, और z0 कौन से प्लेन पर होता है, xy प्लेन पर। सो यहाँ पे क्या है, xy प्लेन पर आएगा ये, है ना। अब आ गया, हमने ये पढ़ा था किसके पहले, कि हमने 3D को क्लियर किया, एंड 3D से क्या बनता है, 3D से क्या निकाली थी, हमने ये पढ़ लिया है। क्लियर। अब यहाँ पर हमने एक्सटेंस की बात की थी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, कब, जब z पॉइंट पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, तो फिर ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट। क्लियर। अब आ गया, अगर हमको यहाँ पे ये पूछे, 3D की बात करें, ठीक है, 3D में हमने ये सारी चीज़ तो देखा कि x और y, z, ये निकालना सीखा कि कैसे इसको निकाला जाता है। अगर हमको इस टाइप का पूछे क्या, माइनस टू जीरो जीरो, अब ये बताओ कि कहाँ पे आएगा ये, तो ये कहाँ पे आएगा, इसकी स्थिति क्या होगी, माइनस टू मीन्स x जो है यह इधर आ जाएगा, है ना, तो ये कहाँ पे स्थिति होगी इसकी, तो x एक्सिस पर स्थिति होगी। क्यों x एक्सिस पर, क्योंकि ये जो फर्स्ट होता है ना वो x का कोऑर्डिनेट होता है, जो सेकंड होता है वो y का कोऑर्डिनेट, और जो ये होता है वो z का कोऑर्डिनेट, थर्ड नंबर का। क्लियर। तो वहाँ से हमने ये जाना कि कोऑर्डिनेट्स कैसे अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं। क्लियर। 2D में क्या होता था कि एक्स वाई दो होता था, तो दो प्लेन होता था वहाँ पे, है ना, तो फिर वहां पे दो कोऑर्डिनेट होता था, टू और थ्री, या फिर कुछ और ले लो अपने हिसाब से, है ना। तो लेकिन यहाँ पे 3D को याद रखना कि 3D को हमेशा थ्री जो है कोऑर्डिनेट की मदद से इसको शो किया जाएगा। 3D में आठ अक्षांश होते हैं। 3D में क्या होता था, 3D में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ऐसे शो किया जाता है। क्लियर। अब आगे आते हैं, हमको क्वेश्चन में इसके आगे हमको ये पढ़ना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आप अपनी कॉपी में अष्टांग के निर्देशांक पूरे लिखेंगे और कोऑर्डिनेट्स को कैसे शो किया था ये भी आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। क्लियर। अब आगे आओ, हाँ, हमको यहाँ पे बताना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हमको पढ़ना है। तो हमको हमारा पॉइंट देखो, यहाँ से एक्स वाई जेड इस प्लेन पर हम लोग यहाँ पे 3D का बनाते हैं, ये 2D का था, अब हमको शो करना है, तो हमने एक मान लिया ये, तो ये x से y और ये मैंने मान लिया z। क्लियर। ये मैंने इसको ले लिया 0। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये हो गया से ox, ये हो गया oy, एंड ये हो गया ol, इन दो बिंदु है ना के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, दो बिंदु pq, pq मींस कि ये हमारा कोई पॉइंट p है, ये हमारा कोई पॉइंट q है, तो हमने यहाँ पे PQ बिंदु ले ली है ना, तो ये मैंने लिया P, ये मैंने लिया Q, फर्स्ट अक्षांश पर, है ना, फर्स्ट अक्षांश पर ले रहे हैं। क्लियर। हमने ले लिया, अब इस बिंदु P पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, X, Y, Z कोऑर्डिनेट होंगे, तो हम इसको इस नाम लेते हैं X1, Y1 एंड Z1 कोऑर्डिनेट, वैसे ही उसका ला लेते हैं X2, Y2 एंड Z2 कोऑर्डिनेट। क्लियर। यहाँ से फिर यहाँ पे बोल रहे कि ये जो P और Q है वो कौन से कोऑर्डिनेट पर है, इस तल पर, कौन से प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर है, है ना। तो हमने क्या मान लिया कि ये जो P है ना, इसमें मैंने लंब लिया यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक मैंने एक लंब खींच लिया, वैसे ही Q का एक लंब खींचा। अब मैंने क्या किया, दोनों को
मिला दिया ऐसे, ये इसको मिला दिया यहां से, ठीक है। अब और ये हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो बना है ना यहाँ पे M, और ये यहाँ पे क्या बना है M, ये पॉइंट बना वो कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन पर है, ठीक है। ऐसे दिखने में नहीं दिख रहा है बट ये कौन से प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है, वो इमेजिन करना है। अब एक्स वाई तल में बिंदुओं M और M के निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, फिर से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कौन से प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर। ये क्या था, कोऑर्डिनेट था किसका, एक्स वाई जेड प्लेन का कोऑर्डिनेट हो गया था, ठीक है। और ये जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जो था वो किसके सापेक्ष, इन तीनों के सापेक्ष, ये और ये मैंने लिया। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों हैं वो क्या है, एक्स और वाई प्लेन पर है, यानी कि कितने कोऑर्डिनेट आएंगे, टू कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो मैंने लेती हूँ जैसे कि एक्स वन लिया और वाई वन लिया, यहाँ पे मैंने एक्स टू और वाई टू, ये हमने क्या लिया, कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये बोल रही हूँ कि जो बिंदु है ना ये एम एन, ठीक है, एम एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी। अगर मेरे को एम एन चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगी ना, तो इन बीच इस ये बिंदु और इन ये बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। वहां से हमको फॉर्मूला फाइंड करने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एम एन की बीच की दूरी निकालते हैं। तो एम और एन की बीच की दूरी तो कैसे निकलेगा, इस बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो देखो एम और एन बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, यहाँ से एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा ना का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट के इधर कर दिया हमने ये, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू एक्स वन का स्क्वायर प्लस, है ना यहाँ पे प्लस था, फिर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। फिर ये तो क्लियर है ना, एम एन का स्क्वायर ये आपका आ गया। अगर मैं अब ये बोल रही हूँ कि इस पर मैं कोई लंब डाल दूँ, कहाँ पर क्यू और पी, है ना, क्यू एन पर मैं कोई लंब डालू, क्या लंब डाल रहा है मैंने कि पी से मैंने क्या किया, आर एक लंब डाल दिया, जैसे कि ये क्या है, आर ले ली मैंने, ये एक समकोण बनाता है ना। तो ये देखो पी आर इक्वल है किसके, पी आर इक्वल किसके, एम एन के, एम आर एन के इक्वल हो गया ना, यहाँ से ये और ये तो एकदम इक्वल दिख रहे हैं ना आपको, ये इसका डिस्टेंस का डिस्टेंस, तो हमने ये मान लिया कि जो पी और आर है वो क्या है, इक्वल है। आप देखो क्यू आर, क्यू आर मीन्स ये वाली लाइन, जो क्यू आर है, क्यू आर इक्वल हो किसके, क्यू एन माइनस आर एन के, है ना, क्यू आर इक्वल है किसके, पूरे क्यू एन माइनस क्यू आर के, क्लियर। तो वहां से हम इसको क्यू आर को ऐसे लिख सकते हैं, हमको क्यू आर का डिस्टेंस चाहिए तो इस पूरे क्यू एन में माइनस करेंगे क्यू आर को, तो हमको वाकई मिल जाएगा, तो क्यू एन माइनस आर एन ये कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने ये मान लिया कि पूरे क्यू एन की वैल्यू, इस पूरे क्यू एन की वैल्यू हमने ले ली जेड टू, और ये जो छोटा वाला है उसकी वैल्यू मैंने ली जेड वन, ये हमको मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, जो हमने इसके पहले भी पढ़ चुका है। तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि ये वाला है ना यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, त्रिभुज पी क्यू आर, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं ना। फिर आगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ से देखो ना कर्ण का स्क्वायर होता है ना इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ना आधार का स्क्वायर, तो पी आर ये आधार प्लस लंब, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको मालूम थी इसके पहले वाले से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, इसके जगह पे ये लिख रहे हैं एम एन का स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर तो उसके पहले वाला टर्म से, है ना, प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू एम एन की वैल्यू जो डिस्टेंस निकालते थे वहाँ से, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हमने निकाली थी क्या, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे आओ, तो यहाँ से यहाँ पे पी क्यू चला आ रहा है ना ये, अब पी क्यू जो है उस तरफ जाएगा, है ना, स्क्वायर इस तरफ आ गया तो क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से,
ठीक है। अब आगे आओ बिंदु, तो यहां से देखो इस P और Q दोनों के बीच की दूरी कितनी निकल गई। हमको क्या चाहिए था, जो चाहिए था वो निकल गया, ये हमने इसको कर्ण मान के चला था, लेकिन अगर आप देखें तो ये क्या निकला, हमारा डिस्टेंस निकला। किसके बीच का, बिंदु P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या निकला है, ये मतलब कि आप यहाँ लिखोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना इक्वल्स टू ये पूरा टर्म एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला। अब आगे आते हैं